नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ जो क्लस्टर मीटर है। इस क्लस्टर मीटर आप देख सकते हैं पूरा ब्लैक हो चुका है, इसमें कुछ भी आपको शो नहीं हो रहा है। तो इसको कैसे सही करें, कैसे इसका नए प्रोसीजर क्या है नए क्लस्टर मीटर लगाने का, देख सकते हैं। नया क्लस्टर मीटर तो हमने लगा लिया है, इसमें काफ़ी सारी लाइटें तो आ रही हैं और ना ही किलोमीटर शो हो रहे हैं, हमारे सब कुछ 0-0 आ रहे हैं। तो सबको कैसे हमें नए क्लस्टर मीटर में लगाना है तो इस वीडियो में बने रहिए। देख सकते हैं पुराना बिल्कुल ख़राब हो चुका है। सबसे पहले आपको लैपटॉप कनेक्ट कर लेना है, जो भी आपका प्रोसीजर है वो गाड़ी सेलेक्ट कर लेनी है, क्योंकि ये हमारी BS6 गाड़ी है तो हमने मॉडल के हिसाब से BS6 गाड़ी को सेलेक्ट कर लिया है। आप भी अपने हिसाब से गाड़ी को सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद थोड़ा सा टाइम लेगा इसको। कनेक्ट होने के बाद आपको रिप्लेसमेंट में चले जाना है। यहाँ सबसे पहले हम मैनुअल कर लेंगे। मैनुअल में आपको किलोमीटर और जो भी है आपके आ जाएंगे, इसको रीड कर लेना है और ओके करते जाना है और हमारा एक क्लस्टर मीटर पुराने वाला खोल लेना है। पुराने क्लस्टर मीटर का काम हो चुका है तो इसको खोल के साइड कर लेना है और चाबी ऑन ही रखनी है, चाबी को ऑफ ना करें। इग्निशन ऑन में ही अपना नया क्लस्टर मीटर लगाएं। दोनों कपलों को लगाने के बाद इसी तरह छोड़ दें। उसके बाद वो कुछ नहीं करना है, आपको चले जाना है लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे आपको इसी तरह इसको छोड़ दिया होता है, इसको कर देना है और आपको साइड में आपको देखने को मिलेगा राइटर, इसको ओके करते जाना है। इसको भी ओके कर दीजिए, इसको भी ओके कर दीजिए। अभी आप देख सकते हैं हमारे किलोमीटर आ चुके हैं और हमारे आवर्स भी आ चुके हैं नए क्लस्टर में। पर और इसमें एक दिक्कत और है, हमारे काफ़ी सारी लाइटें हैं जो आ रही है, इनको भी हटा लेंगे। इसके लिए आपको इसकी फ्लैशिंग करनी होगी, फ्लैशिंग के लिए आपको ऑनलाइन में ज़रूरत पड़ेगी। इसके लिए आपको नेट लैपटॉप में नेट कनेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको स्टार्ट वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा, मैं आपको स्टार्ट कर लेना है। स्टार्ट करने के बाद थोड़ा सा टाइम लेगा। यहाँ पे आपको BC नंबर और चेसी नंबर डाल देना है, तो मैंने यहाँ पे एंटर कर लिया है तो यहाँ पे ओके कर देना है। ओके करने के बाद थोड़ा सा टाइम लेगा। अभी देख सकते हैं ECU रिप्लेसमेंट हो रही है। अभी देख सकते हैं हमारा आ रहा है ECU को रिप्लेसमेंट हो गई है। कम से कम 30 सेकंड के लिए चाबी स्विच ऑफ कर लेना है। 30 सेकंड के जब भी आप 30 सेकंड हो जाए तो इग्निशन को ऑन कर लीजिए। जैसे ही आप इग्निशन ऑन करेंगे आप देख सकते हैं हमारी सारी लाइटें जो एक्स्ट्रा थी वो हट चुकी है और यहाँ पे हमारा प्रोसीजर भी पूरा हो चुका है। अभी देख सकते हैं ECU रिप्लेसमेंट हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हमारा पूरा प्रोसीजर कंप्लीट हो चुका है। अभी हम देख सकते हैं हमारे किलोमीटर आ गए और हावर्स भी आ गए हैं और पूरा क्लस्टर मीटर भी सही हो गया है। तो कैसी लगी आपको वीडियो, हमें लाइक कमेंट करें।